ऊपर आरोपों की पूरी जो है फेहरिस्त इकट्ठा हो गई है। आप राज्यों को बजट दे नहीं रहे हैं जहां विपक्ष शासित राज्य हैं और अपनी बैसाखियों को पैसे दे रहे हैं। आप थोड़ा सा पीछे जाइए, लगभग 8-9 साल पुराना जितना भी रिकॉर्ड था हमारा निकाल करके देखिए, ऐसी कौन सी मीटिंग रही है जिसके अंदर हमने जनता के बारे में सोचा और इन्होंने उसमें भागीदारी दी अपनी। हर बार बायकॉट किया, कोविड के पेंडेमिक के दौर में भी इन्होंने हमारी जो मीटिंग्स थी उसको बायकॉट किया। वन नेशन वन इलेक्शन की बात आई तब ये बाहर हो गए। आप बताइए, जब जनता से जुड़े मुद्दे आते हैं तो ऐसे किसी भी विषय के ऊपर ये केंद्र की सरकार के साथ सहयोग नहीं करना चाहते। बेसिकली केंद्र की सरकार के साथ नहीं, क्योंकि ये अपनी जनता से नफरत करते हैं। इन्हें लगता है कि हमारी जनता विपक्ष है तो विरोध तो करेगा ना राजीव जी, विपक्ष है। आप लोग भी जब विपक्ष में थे तो आप लोग भी विरोध करते थे। आप हमारा विरोध करिए ना, आप अपनी जनता का विरोध क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, कोई पॉलिसी बनने वाली है जो आपके स्टेट की जनता के लिए बनने वाली है, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए। मैं बार बार कहता हूं कि बिहार जो है इनके कांग्रेस यूनिट और राजद जो गठबंधन में चुनाव लड़े हैं उनके मैनिफेस्टो में था कि बिहार को या तो स्पेशल पैकेज मिले या स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का ये डिमांड कर रहे थे। ठीक है, जब मिला तो केंद्रीय नेतृत्व इतना हाई तौबा क्यों मचा रहा है? क्या आपस में विरोधाभास नहीं दिख रहा है आपको? किस तरह के विरोधाभास को आप पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं कि क्या राज्य कांग्रेस और केंद्रीय कांग्रेस अलग अलग है? जी बिल्कुल। अब मुझे ये समझाइए कि किसका बात माना जाए, केंद्रीय कांग्रेस की बात मानी जाए जो कि इनके स्टेट यूनिट है जो कि राजद के साथ मैनिफेस्टो में शेयर करके भाषणबाजी कर रहे थे कि बिहार को कुछ मिलना चाहिए? और बिहार से इतनी नफरत क्यों है यार? पिछले बार ग्रीन रेवोल्यूशन 66 में हुआ था, पंजाब हरियाणा में तो क्या किसी स्टेट ने उंगली उठाई? चलिए नीरज मिश्रा जवाब दीजिए। देखिए चंदन भाई, ये लोजपा की जो खिजलाहट है वो इसलिए है कि अब वो स्पेशल स्टेटस का मुद्दा जो पिछले 25 साल से लोजपा हो, जेडीयू हो और बिहार की बाकी पार्टियां उठाती थी, जो आज सत्ता में है या सत्ता के साथ अलाइंड है उनके लिए अब ये मुद्दा खत्म हो गया। तो इनकी जो राजनीति पिछले 20 साल से चल रही थी, इनकी राजनीति पर अब ताला लग गया है। अब ये बिहार की जनता के पास किस मुंह से जाएंगे और क्या बोलेंगे कि हम तो स्पेशल स्टेटस की मांग करने गए थे, वो खैरात में हम कुछ आपके लिए ले आए हैं, आप इस खैरात से अपना काम चला लीजिए। नीरज जी, एक तरफ खैरात बताया जा रहा है और दूसरी तरफ उसे ही भेदभाव बताया जा रहा है कि भाई लायंस शेयर में उन्हें दे दिया गया। समझिए, जब इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि आप चाइनीज इन्वेस्टमेंट लेके आइए और उसी में जब ये बताया गया कि 1 रुपए के एक्सपेंस के लिए भारत सरकार को लगभग 95 पैसा जो है वो उधार पर लाना पड़ता है, तो उधार की जिंदगी और उधार का बजट और उधार की सरकार, यही खैरात वो बिहार को दे रहे हैं। तो इनकी राजनीति क्योंकि खत्म हो गई। जो मुद्दा उठाया विनीत जी ने, विनीत जी ने जो मुद्दा उठाया वो सवाल ये था, नीरज जी सवाल ये था कि भाई आपकी राज्य की जो इकाई है वो भी ये मांग करती रही है कि बिहार को अतिरिक्त फायदा मिले। हम तो स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहे हैं, हम तो आज भी कहते हैं बिहार के साथ जिस तरीके से पिछले 10 साल में खासकर जो भेदभाव हुआ है बिहार को। अच्छा, भेदभाव 10 साल में हुआ है? ठीक है, भेदभाव 10 साल में हुआ है, उससे पहले नहीं होता था। विनीत जी, चंदन बाबू आप लोग बड़ी सहूलियत के साथ फैक्ट्स को छोड़ देते हैं। चंद्र बाबू पिछली सरकार से क्यों हटे थे मुझे बता दीजिए, उनकी पिछली बार क्या डिमांड थी जब उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ा था? वो तो स्पेशल स्टेटस मांगने गए थे ना। आज आपने एक मल्टीलैटरल एजेंसी से उनके लिए फंडिंग की व्यवस्था करा दी तो आपको लगता है आपने बहुत बड़ा काम। पहले तो ये तय हो जाना चाहिए कि बिहार को अतिरिक्त फायदा मिला है कि नहीं मिला है या रेवड़ी है। पहले तो ये तय हो जाए कि भाई बिहार को अतिरिक्त फायदा मिला है कि नहीं मिला है, अगर मिला है तो फिर उसका क्रेडिट नीतीश कुमार लेंगे। विनीत जी जवाब दीजिए। वही खैरात का क्रेडिट ले ले क्योंकि राजनीति तो खत्म हो गई, अब कर नहीं पाएंगे। ना चिराग की चलेगी ना नीतीश की चलेगी, बाकी तो लोग देख लेंगे आपस में। सुनिए ना, मुझे एक लाइन याद आता है कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है। आपने ये प्रावधान खत्म कराया अपने समय में और हम पे क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले तो सवाल इनसे पूछा जाना चाहिए कि 2004 से लेकर 14 तक जब लालू प्रसाद यादव यूपीए के फर्स्ट में जब रेल मिनिस्टर थे तो आपने उस समय क्यों नहीं दिया था? और जब हम कोशिश कर रहे हैं क्या है चंदन भाई ना? नहीं देखिए, यहाँ पर अभी मैंने बहस के दौरान एक जिक्र किया था कि 2004 में जब लालू यादव रेल मिनिस्टर बने थे उस दौरान बिहार को अलग से फंड दिया गया था, भले ही विशेष दर्जा ना मिला हो लेकिन विशेष फंड मिला था। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं राजनीति तो हावी रहती ही है इन्हीं सबको लेकर के। घनश्याम जी, अगर बात की जाए, राज्य सभी जो है देश का हिस्सा है, सभी को मिल रहा है, आखिरकार अब राजनीति क्यों? राजनीति चुनाव के लिए, संसद के लिए छोड़ दी जाए ना, सड़क पर कीजिए ना राजनीति। नीति आयोग को खत्म करने की बात, उसका नाम बदलने की बात, आप ये कह रहे थे योजना आयोग। योजना आयोग का जब गठन किया गया था तब भी ये सवाल उठे थे कि भाई वित्त मंत्रालय के रहते हुए योजना आयोग की जरूरत क्या है? क्या वो पीएमओ के अधीन आता है तो उसको विशेष जो है ताकत क्यों दी जा रही थी? विवाद तो तब भी हुआ था। तीन बातें हैं,
पहली बात बजट पे, क्या बजट देश की समस्याओं को सुलझा रहा है या भारतीय जनता पार्टी की समस्याओं को सुलझा रहा है? दूसरी बात विशेष राज्य पे, विशेष राज्य के दर्जे में सभी पार्टियों ने सिग्नेचर कैंपेन्स कराए हैं और प्रधानमंत्री ने कहा है विशेष राज्य का दर्जा देंगे, तो बिहार किसी झुंझुने का मोहताज नहीं है। बिहार को बर्बाद करने वाले लोग शिखर पर हैं और अब बिहार को झुंझुना दिखा रहे हैं। और तीसरी बात योजना आयोग, योजना आयोग के अध्यक्ष थे मुंटेक सिंह अहलूवालिया, यहाँ आधे लोगों को पता नहीं होगा नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। योजना आयोग की सीधी बैठक होती थी देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, यहाँ पर मुख्यमंत्रियों की कभी कोई बैठक नहीं हुई होगी नीति आयोग के अध्यक्ष के साथ। तो जहाँ एक पूरा मंच प्रधानमंत्री की भजन मंडली बन जाए जिसके पास कोई पावर नहीं है, क्या डिमोनेटाइजेशन का निर्णय नीति आयोग से आया? क्या रोजगार से लड़ने का कोई आंकड़ा नीति आयोग की तरफ से आया? क्या कोरोना में जो मृत्यु हुई, चाहे ऑक्सीजन की कमी से हुई है, जो मजदूर ट्रेन में मर गए उनके बारे में नीति आयोग ने कोई आंकड़ा दिया? इस देश में प्रधानमंत्री की बहुत सारी भजन मंडलियां हैं, मीडिया से लेकर के नीति आयोग तक, लेकिन जनादेश इसलिए मिला है कि इन भजन मंडलियों को समाप्त करके जनादेश के हिसाब से जनता के लिए काम किया क्या जाए, करना चाहिए बहुत जल्द सरकार को समझ में आ जाएगा। आपके हिसाब से सरकार को सलाह दीजिए, आप लोग भी एक बड़ी पार्टी हैं, कि क्या करना चाहिए? जिस सरकार में पेपर लीक हो जाए शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मैं एक मुद्दा उठाता हूं घनश्याम जी, आप जो दूसरा मुद्दा ले आते हैं, मैं कह रहा हूं कि आप सलाह दीजिए सकारात्मक, आप क्या करना चाहिए उसका जवाब दे रहा हूं, बता रहा हूं, ये रचनात्मक है। जो सरकार छुपू ही घूम रही है, जो नहीं बताती अग्निवीर का एजेंडा कहां से आया, जो नहीं बताती पेपर लीक की जिम्मेदारी, चुनाव में मुद्दे उठा लिए गए ना घनश्याम जी, किसकी है? अब तो सरकार बन गई है ना सर, ये चुनाव के मुद्दे नहीं है जी जनाब, चुनाव में आप लोगों ने इस मुद्दे को उठाया, उसका आपको फायदा मिला, लेकिन फिर भी सरकार तो बनी है ना। अब रचनात्मक विपक्ष के तौर पर नीति आयोग को लेकर के 2047 के विजन पर आगे बढ़ा जा रहा है, तो उसमें हिस्सेदारी करनी चाहिए या फिर जो है उसको बायकॉट करना चाहिए? 2047 में आप कहां होंगे आपको पता है? 2024 की बात नहीं करते, देश तो यही होगा ना, 2024 नहीं, अरे ये सब ये प्रवचन है प्रधानमंत्री की तरह, 2024 की बात कीजिए। आप एक एग्जाम करा नहीं पा रहे हैं, नौकरी दे नहीं पा रहे हैं, अग्निवीर जैसे स्कीम से देश के ठीक है, यानी सिर्फ आलोचना करनी है, सिर्फ आलोचना करनी है। आप शुभांकर भट्टाचार्य जी, यहाँ मुद्दा ये भी उठ रहा है कि भाई ममता बनर्जी इस बैठक में जो जा रही है, बाकी पार्टियां बायकॉट कर रही है, ममता बनर्जी जा रही है, भले ही विरोध करने के लिए जा रही है, अपनी एक अलग लाइन चुन रही है। देखिए मैं एक बात बता दूं, सबसे पहले तो नीति आयोग कोई संसद तो है नहीं कि जहाँ पे जो है वाद प्रतिवाद ये होता रहे, ये होता ये है कि वहाँ पे सब अपनी बात रखते हैं, जो मुख्यमंत्रियाँ जाते हैं वो अपनी बात रख सकें, अपना जो है भले वो विरोध हो वो उसको दायर किया जा सके, और उसका सिस्टम बनाया गया, पहले वो जो वो उनको बोलना है उसकी कॉपी पहले जाती है, वो एडमिट होता है कि नहीं होता है, फिर उस हिसाब से अगर वो एडमिट हुआ तो फिर इनको जो है बोलने की परमिशन, तो उन्होंने इस बात को शुरू से कह दिया कि अगर हमें बोलने की परमिशन दी जाती है तब तो मेरा जाना बनता है, नहीं तो मेरा जाना भी बेकार है, ये बात उन्होंने खुल के कही है। और उन्होंने ये बात भी कही कि मैं सिर्फ और सिर्फ बंगाल को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूं, मैं उन सारे प्रदेशों को रिप्रेजेंट कर रही हूं जो कि इंडिया ब्लॉक द्वारा आज शासित है, ये एक बात हो गई। दूसरी बात, अभी बात बार बार हो रही है कि नीति आयोग की विडंबनाओं की, देखिए सबसे बड़ी परेशानी क्या है, आप अगर देखें तो नीति आयोग ने क्या नहीं किया, पहले अगर आपको याद हो प्लानिंग कमीशन के माध्यम से एक जिसको कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे हुआ करता था, ठीक है, पिछले 8 साल में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे हुआ ही नहीं, क्यों नहीं हुआ? ताकि एनएमपीआई का जो उसको उनकी जो इंडेक्स है उसको प्राइम कर दिया जा सके और नीति आयोग सरकार के लिए सीधे सीधे कह सके मैंने 25 करोड़ लोगों को बाहर निकाला गया है, ठीक है, यानी नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को हम लोगों ने मेन बनाने के लिए सिर्फ लाया इसलिए गया ताकि सरकारी दावे को सिर्फ बस उसके ऊपर मोहर लग जाए, उसके उसका कोई बेस ना देखा जाए, उसका कोई जांच ना हो उसकी। चलिए राजीव जेटली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तकनीकी दिक्कत की वजह से संपर्क हमसे टूट गया था। राजीव जी आरोपों की एकदम बौछार हो चुकी है, जवाब दीजिए। नहीं, मैं अभी इस पूरी डिस्कशन में एक बात तो समझ में आई है कि सब आपकी चैनल के ऊपर बैठकर के एडवाइस दे रहे हैं, अगर यही एडवाइस इनके लीडर्स नीति आयोग की बैठक में बैठकर के देंगे तो उसके रिजल्ट्स निकलेंगे। तो एक मुद्दा जो वहां पे मैं शायद मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था उस वक्त पे, एक मुद्दा ये जी, था ममता जी जा रही इसीलिए हर बार, हाँ लेकिन भाई सभी विपक्षी दल नहीं जा रहे हैं, लेकिन हर बार केवल विरोध करना, विरोध करके जताना कि हमारी सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे इतना बता दीजिए, उनकी सुनी जाएगी ना।
तिवारी जी ने एक बात बोली, तिवारी जी ने कहा कि 2047 किसने देखा है। इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि ये अपने परिवारों को पालना चाहते हैं, देश के लिए कोई विजन इनके पास नहीं है। इसलिए जो आज चल रहा है, आज सत्ता का सुख भोग रहे हैं, आज जो उनको सीटें बढ़ रही है घट रही हैं, उनसे सरोकार है। आगे भविष्य के अंदर देश का क्या होगा, तो राजनीतिक पार्टियां तो राजनीति ही करेंगी ना राजीव जी। राजनीतिक पार्टियां अपने कोर वोटर को एड्रेस करती हैं, कोर स्टेट्स को एड्रेस करती हैं। चंदन जी ये बात तो बोल देनी चाहिए ना, ये बात बोल देनी चाहिए। हमारा काम राजनीति करना है, हमारा काम अपने प्रदेश की जनता से लेना देना नहीं है, इस देश से लेना देना नहीं है भाई, हमें अपने परिवार से लेना देना, अपने राजनीतिक। योजना आयोग के पास शक्तियां थी, नीति आयोग के पास जो है शक्तियां नहीं है, ये विपक्ष का आरोप है। ऐसे में इस बैठक में जाकर के फायदा क्या, ये आपने पहले ही निर्धारित कर लिया कि वहां जाकर के फायदा क्या, कोविड की लड़ाई लड़नी थी वहां जाकर के फायदा क्या। ठीक है, लोगों को बरगलाया गया कि इंजेक्शन मत लगवाइए, वैक्सीन मत लगवाइए, और वन नेशन वन इलेक्शन की बात आ रही है, वहां जाकर के फायदा क्या, जहां हम देश का पैसा बचाना चाहते हैं चुनावों के लिए। ठीक है, चुनावों के ऊपर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च होता है। मुद्दे पर हम रहते हैं आरती टिक्कू जी, इस पूरे मुद्दे को अगर विपक्ष की बात की जाए, विपक्ष की क्या रणनीति दिखती है, क्या बायकॉट से जो विकसित भारत की बात कही जा रही है, विजन 2047 की बात की जा रही है, इस तरह बायकॉट से कैसे हासिल हो पाएगा? देखिए बहुत साफ है कि विपक्ष जो है इस वक्त एजेंडा नेशनल इकोनॉमी नहीं है, या आर्थिक व्यवस्था क्या है, या फाइनेंशियल रिलेशनशिप जो स्टेट्स और सेंटर में है, उस पे उस मुद्दे पे बात नहीं करना चाहती। विपक्ष जो है वो राजनीति करना चाहती है, बैकफुट पे ले जाना चाहती है बीजेपी एनडीए सरकार को इनफैक्ट, और वही हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि नीति आयोग जो है बिल्कुल इस इंस्टीट्यूशन के खिलाफ कोई क्रिटिसिज्म जो है, बहुत सारे वैलिड पॉइंट होंगे, लेजिटिमेट पॉइंट होंगे, और वो उठाने ही चाहिए। हम लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ये बात, अगर विपक्ष ये समझता कि ये देश के हित में है कि जाकर वहां क्रिटिसाइज करे और ये सारे इश्यूज उठाए कि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप या जो फाइनेंशियल फॉर्मूला है जिस तहत फंडिंग मिल रही है स्टेट्स को, इनफैक्ट मैं ये भी बताना चाहती थी कि ये बहुत अच्छी बात थी कि जनरल कैटेगरी और स्पेशल कैटेगरी का जो डिस्टिंक्शन था फाइनेंस को लेकर, फंडिंग को लेकर, वो हटा दिया गया। क्योंकि अगर आप देखें, मैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट से आती हूँ, जम्मू कश्मीर से, दशकों तक स्पेशल कैटेगरी में फंडिंग मिलती रही, लगभग सेंट्रल फंडिंग 90% आ रही थी और रेवेन्यू जनरेशन उतनी थी नहीं जम्मू एंड कश्मीर से। लेकिन आरती जी हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी है, इसलिए आपको बीच में जो है टोकना चाहूंगा। आपने जो एक वैलिड पॉइंट कही है, नीरज जी के पास में ले जाना चाहूंगा उसी मुद्दे को, कि अगर जाते, आपको बड़ा मंच मिलता, वहां जो विरोध, जो भी आपके विरोध है उसको उठाते, तो ज्यादा एड्रेस होता वो मुद्दा। चंदन भाई आपके पैनल पर अभी मेंशन हुआ कि आपको पहले तो आपने बात क्या करनी है आपको ये भेजना पड़ता है। आपको लगता है जो सरकार सदन के अंदर स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर आपकी बात नहीं सुनती, वो ऐसे मंच पर सुनेगी, और वो भी वो मंच जिसके अंदर ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है ना कोई स्टैट्यूटरी पावर है। आप सोचते हैं कि उस मंच पर जाकर बोलने से कुछ होता? देखिए विरोध के दो तरीके होते हैं, एक जो हमने इख्तियार किया है कि हम उस मीटिंग में नहीं जा रहे, हम देश की जनता से डायरेक्ट संवाद कर रहे हैं। एक दूसरा तरीका है विरोध का जो ममता जी ने तैयार किया है। बात दोनों की सेम है कि इस सरकार ने अपनी कुर्सी बचाओ बजट के अंदर जिस तरीके से अलग अलग प्रदेशों के साथ भेदभाव किया है, उसके विरोध में पूरा इंडिया ब्लॉक खड़ा है। ये सीधी सीधी मोटी मोटी बात। ठीक है, पूरा इंडिया ब्लॉक तो नहीं है, दो नेता उसमें आपके जा रहे हैं, भले आप ये कहें कि वो भी जो है एक तरीका है। घनश्याम जी इसी मुद्दे पर आप क्या कहेंगे कि भाई वहां जा करके विरोध जताते, वहां से आपको मंच मिलता, उस पर जो है वो बेहतर तरीका होता? देखिए विरोध का कोई फॉर्मूला नहीं है, संसद से लेकर सड़क तक, चाहे एग्जाम पेपर लीक हो या अग्निवीर योजना हो, जनता ने की जो आवाज है विपक्ष ने उसे उठाने की जिम्मेदारी ली है, एक बहरी सरकार को सुनाने की जिम्मेदारी ली है। जिस मंच पर आप कह रहे हैं कि बाकी मुख्यमंत्री कहाँ क्यों नहीं गए, आप दिल्ली में हैं, दिल्ली एनसीआर में हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री कहाँ हैं, जेल में हैं, और उस मंच पर कौन बैठेंगे, मणिपुर के मुख्यमंत्री, जहां जो मणिपुर एक साल से ज्यादा समय से भस्म हो रहा है और प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं है मणिपुर जाने की। तो कायरता के उदाहरण का मंच दिखाई दे रहा है जहां पर जनता की आवाज सुनी नहीं जा रही है। संसद में इस मुद्दे को उठाया सर, सड़क पर आप लोगों ने चुनाव के दौरान इस मुद्दे को उठाया, अब नीति आयोग में भी वही मुद्दे उठाए जाएंगे सर।
सवाल तो यही है कि भाई जब विकास की बात हो रही है, कलेक्टिव एफर्ट्स की बात हो रही है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात हो रही है, नीति आयोग को छोड़ दिया जाए, ये प्रवचन कौन दे रहा है? प्रधानमंत्री दे रहे हैं। अरे घनश्याम जी, ये प्रवचन शब्द से आपको अलग से प्रेम है क्या सर? भाई ये नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि प्रवचन प्रधानमंत्री दे रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के सिंपल सा यहाँ सवाल ये है कि भाई ये बहिष्कार की राजनीति जो है उसको करने के लिए दूसरे मुद्दे भी हैं, दूसरे जगह भी हैं। यहाँ कलेक्टिव की बात थी, वहां जाकर के उठाते विरोध दर्ज कराते कि भाई हमें फंड नहीं मिल रहे हैं। जनता ने इस बहरी सरकार को, इस तानाशाही सरकार को, इस भ्रष्ट सरकार को सबक सिखाने की जिम्मेदारी विपक्ष को दी है। संसद से लेकर सड़क तक, नीति आयोग के मंच से लेकर अन्य मंचों तक हम तय करेंगे अपनी सूझबूझ से कि सरकार को कैसे सबक सिखाया जाए। ठीक है, यानी विपक्ष ने यह तय कर लिया है कि भाई अपने एजेंडे पर वो आगे बढ़ता रहेगा, इसको लेकर के अब नीति आयोग हो या अन्य मंच, वहां हर तरफ सरकार को घेरने की कवायद की जाएगी। बहुत शुक्रिया टू द पॉइंट में हमारे साथ इस बड़ी बहस में जुड़ने के लिए।